हेलो एवरीवन। सो ये स्टील की आपकी 6th क्लास है। हम लोग रिवेट कनेक्शन पढ़ रहे थे और इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में शुरू करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल है, याद रखना यहाँ पर एक एक वर्ड्स पे ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपका फिगर दे सकता है, किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं दे सकता। तो जिसमें फिगर नहीं देगा उसमें आपको वर्ड्स पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या चीज दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला है आपका अ डबल रिविटेड डबल कवर बट जॉइंट। याद रखना यहां पर एक चीज है, डबल रिविटेड है और डबल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कनेक्टिंग टू प्लेट, दो दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। टू प्लेट 12 mm थिक विथ 22 mm डाया रिविट। याद रखना डाया ऑफ रिविट कितना दिया है, 22 mm, और प्लेट की थिकनेस कितनी दी गई है। इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर कनेक्टिंग टू प्लेट 12 mm, तो इतना mm थिक प्लेट दिया गया है। सजेस्ट द नेसेसरी पिच, यहाँ याद रखना ना विड्थ दी रखी है और ना पिच, यहाँ आपसे पिच पूछ लिया है और एफिशिएंसी पूछ लिया है। ठीक है, और परमिसिबल स्ट्रेस दे दिया है आपका शियरिंग बियरिंग और टियरिंग में, तो शियरिंग बियरिंग और टियरिंग रिस्पेक्टिवली, तो आपका इस तरह कुछ है। ये हो गया आपका प्लेट जो कि 13 mm थिक है और इसमें डबल कवर लगा दिया है और डबल रेविटेड है, तो ये सामने से नहीं दिखेगा, सामने से एक ही रेविट दिखेगा। इसको जब टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो टॉप से आपका ये दिखेगा, साइड से आपका इस तरह दिखेगा। तब यहां पर शियरिंग प्लेन कितना है, शियरिंग प्लेन आपका दो शियरिंग प्लेन है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। थिकनेस कितना दिया है, 12 mm। याद रखना आगे के क्वेश्चन में देखेंगे इसकी भी थिकनेस दी रहती है, तो हमेशा थिकनेस ऑफ थिन जो पतली प्लेट होगी उसकी थिकनेस लेंगे। तो जैसे अगर मान लो ये 13 mm दिया, चलो आगे दिखा जाएगा, अभी देख लो बस इतना याद रखना, थिकनेस 12 mm है और डाया कितना दिया है 22 mm, तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, बताया था जब 25 से कम या बराबर हो डी, तो डी एच कितना हो जाता है, डी प्लस 1.5, और अगर ये 25 से ज्यादा हुआ डी, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी प्लस 2। तो ये 25 से कम है तो 1.5 ऐड करेंगे तो 23.5 mm। ये हो गया। फिर एफ एस यानी परमिसिबल स्ट्रेस इन शियरिंग आपका दिया है 100 N/mm², बियरिंग में दिया है 300 N/mm और टियरिंग में दिया है 150। ठीक है, तो हम पहले सारा निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट याद रखना पर पिच के लिए निकालना है, यह बात याद रखना। तो पर पिच के लिए निकालेंगे तो शियरिंग कितना हो जाएगा, यहाँ ये होता है एन एन इंटू एफ एस इंटू पाई बाय 4 DH², यही ना पढ़े थे, एन इंटू एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस ये पढ़े थे। तो एन यहां पर कितना है, शियरिंग प्लेन में 2 है, एफ एस यहां पर दिया हुआ है आपका 100 और ये पाई बाय 4, डीएच की वैल्यू इतना। पर याद रखना ये डबल रेविटेड है, मतलब दो रेविट लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये 3 रेविट होता तो 3 से करते, 4 होता तो 4 से करते, 5 होता तो 5 से करते, 6 होता तो 6 से करते, तो जितना दिया है उतने रेविट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये शेयरिंग में ये सारा आपका न्यूटन में देगा, क्योंकि ये जो है एफ एस की वैल्यू है ये आपका 100 N/mm² है, इसको किलो न्यूटन से चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आपका आ गया इतना किलो न्यूटन। ठीक है, तो बेयरिंग के केस में भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बेयरिंग के केस में 2 σBS DH×T और फिर इसको सॉल्व करेंगे ये इतना आएगा। टियरिंग के केस में टियरिंग का आपका फॉर्मूला क्या था B×N(dH×T×FT), ये आपका टियरिंग का फॉर्मूला था, पर टियरिंग में कुछ है नहीं, सॉरी बी कुछ है नहीं, पर पिच की बात किया तो इसलिए हम पी लगाएंगे तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी T×FT। ठीक, पर यहां पर पिच नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो मिनिमम है, इन दोनों में जो मिनिमम है उसको इसके इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में जो भी आपका मिनिमम होगा उसको इसके बराबर कर देंगे, तो इन दोनों में मिनिमम ये वाला है उसको इसके बराबर कर दिए और यहां से निकाल लिए हम लोग पिच। ठीक है, कभी भी ऐसे रहेगा तो इसी तरह करेंगे। ठीक,
फिर उसके बाद यहाँ पर टीयरिंग में आप क्या निकाल लियो, पिच निकाल लियो। फिर उसके बाद क्या करोगे, एफिशिएंसी निकालोगे। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट जो तीनों में से कम रहेगा, तो तीनों में सबसे कम कौन सा है, ये जब इसके बराबर रखोगे तो टीयरिंग में भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो टीयरिंग में ये, बियरिंग में या शेयरिंग में सबसे कम यही दिख रहा है, तो इतना रख देंगे, इतना रख देंगे। अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो वो होगा आपका पिच पी इंटू टी इंटू एफ टी, और ये आपका किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए इंटू 100। तो एफिशिएंसी कितनी आई, 80%। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। आप सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में है, 100 × 25 mm स्टील स्ट्रैप, यानी इसकी डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, ये 100 चौड़ा है और 25 इसकी लेंथ है। इस स्प्लाइस्ड एज शोन इन फिगर, इसको स्प्लाइस्ड किया गया है, मतलब इस तरह से बांधा गया है। तो ये क्या है, डबल कवर बट ज्वाइंट है। द होल डाई ऑफ रेबिट इज 25 mm, तो याद रखना यहाँ डाई ऑफ होल दे रखा है 25 mm, और अलाइबल वर्किंग स्ट्रेस आपका इतना है टेंशन में, इतना है शियर में, और इतना है बियरिंग में। कैलकुलेट द सेफ लोड, आपको सेफ लोड निकालना है फॉर द स्प्लाइड स्ट्रैप एंड एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, तीनों चीज निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बी दे रखा है, टीपी दे रखा है। यहां पर ये चीज ध्यान देना, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देना। यहां पर जैसे दो चीज है आपका, थिकनेस एक तो ये है जो कि थिकनेस ऑफ प्लेट है 25 mm, और थिकनेस ऑफ कवर है 13 mm। तो यहां पर जो यहां पर आप करवा के देख, फिर एक एफ टी है, एफ टी ये दिया, एफ एस ये दिया, एफ बी एफ सी ये दिया। तो इसमें दो सेक्शन है, एक तो पहला ये है और एक तो पहला ये है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं, ये जानो, जब ये कवर, जब इसमें फेलियर स्टार्ट होगा, ठीक है, जब रेविट का फेलियर स्टार्ट होगा, दो चीज इसमें, या तो रेविट फेल करेगा या तो कवर प्लेट करेगा, कवर प्लेट फेल करेगा। ठीक है, तो इसका जो फेलियर स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरह चलेगा, पहले ये रेविट टूटेगी, फिर ये रेविट टूटेगी। ठीक है, मतलब फेलियर इस तरह स्टार्ट होगा, पहले ये रेविट टूटेगी, फिर ये रेविट टूटेगी, फिर घूम के आएगा, ये कवर टूटेगा और फिर यहाँ वाला कवर टूटेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक रेविट टूट लगी है, तो उस पे एज्यूम भले करते हैं कि सब पे लोड बराबर है, पर सबसे पहले यह टूटता है, फिर उसके बाद ये टूटेगा। और कवर यहाँ पर इसलिए टूटेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा छेद है, तो टीयरिंग वाली प्रॉब्लम यहाँ जल्दी आएगी, ये पहले टूटेगा फिर ये टूटेगा। तो इसी तरह सेक्शन में भी देखेंगे, अभी डिजाइनिंग पार्ट इसमें नहीं है आपका, डिजाइनिंग पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें देखेंगे कौन से पार्ट की कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अभी बस इतना जानो कि पहले कभी भी बोल्ट लगेगा, तो मान लो अगर ऐसे रहता, ठीक है, अगर ऐसे रहता और ये आपका कवर प्लेट, तो पहले ये टूटेगा, फिर ये, फिर ये, फिर घूम के आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इस तरह टूटेगा। ठीक, तो फिर यहां पर देख लेते हैं फॉर सेक्शन 11, उसके लिए स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, n pi/4 dh इंटू एफ एस इंटू, यहां पर तीन इसलिए किए क्योंकि टोटल, पहले हम ये सेक्शन लेंगे पर टोटल रेविट कितना है, तीन है, इसलिए यहाँ n इक्वल टू तीन लिए, और सॉरी यहाँ तीन से मल्टीप्लाई किया, और n की वैल्यू यहाँ 2 होगी क्योंकि डबल शियर है। ठीक है, ये डबल शियर है इसलिए n की वैल्यू 2 होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप निकालोगे बियरिंग, बियरिंग के केस में आप फिर लिखोगे 3 × 3 रेविट है इसलिए dst × fc, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इतना किलो न्यूटन आएगा। याद रखना यहाँ 10³ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब यहाँ पर इस वाले का निकालेंगे, पहले इस वाले का निकालोगे, इसे TP1 से डिनोट किए हैं, सेक्शन 1 पे सब कुछ काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए TP1 से डिनोट किए हैं। तो वो क्या होगा, b − ndh × t × ft, जो एक्चुअल फॉर्मूला है, b आपका 100 है इस सेक्शन में। याद रखना यहाँ n की वैल्यू 1 या 2 इस बेसिस पे डिपेंड करेंगे कि इस सेक्शन पे कितना बोल्ट आ रहा है या कितना रेविट आ रहा है। जैसे इस सेक्शन पे कितना है, एक ही दिख रहा है, तो यहाँ एक लिए है। फिर dh की वैल्यू 25 और ft, t और ft। और एक चीज और याद रखना, थिकनेस की वैल्यू
टी की वैल्यू 25 हम लोग लिए हैं। 25 क्यों लिए हैं, क्योंकि आपका टीपी कितना दिया है 25 और टीसी दिया है 13 mm, पर ये जो है दो क्वांटिटी में है तो ये टोटल 26 हो गया। तो मिनिमम इसमें कौन सा है 25, यहाँ दो कवर लगा है ना, ये आपका दो कवर लगा है तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं थिकनेस ऑफ कवर में। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही लेंगे। तब ये हो गया आपका TP1। अब यहाँ एक चीज और निकालते हैं TP2, मतलब इस रेविट के कारण भी कुछ स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि ये रेविट दोनों मिल के एक आइसोलेटेड बॉडी बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये रेविट इसका पार्ट बन जाएगा एक तरह से, तो वो भी कुछ इस पे असर डालेगा। ठीक है, तो कितना असर डालेगा वो इतना है B-NDH(T)(FT)। यहाँ बी 100 रखेंगे, एन की वैल्यू इस सेक्शन में कितनी है 2 है, तो उतनी ही रखेंगे इस सेक्शन में, DH(T)FT। और प्लस ये जो है ये पूरा आइसोलेटेड हो गया है तो इसलिए इसका एरिया भी आएगा। अभी तो यहाँ प्लेट का निकाले हो, देखो यहाँ पर बी में से ये इतना हिस्सा माइनस कर दिए हो, बी में से इतना माइनस कर दिए हो, ठीक है, तो वो लगाएगा और प्लस केवल इतना, तो यहाँ वही निकाला π/4 DH(FS)T। टी यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट एट सेक्शन 2-2 है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह करना है। तो फिर π/4 25 70 2 इनको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। फिर नेक्स्ट है, अब इसपे निकाल लिए, अब नेक्स्ट निकालोगे टीयरिंग, सेक्शन 2-2 पे टीयरिंग कितनी आई है, तो सेक्शन 2-2 पे निकालोगे तो एन की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये सेक्शन 2-2 पे 2 बोल्ट है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, और बी यहाँ पर 2 है ये इंटू ये। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सेफ लोड जब निकालोगे तो इन सब में जो मिनिमम होगा वहीं से पहले फेल करेगा, तो ये सेफ लोड हो गया और एफिशिएंसी ये सारी हो गई। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये है आपका 100 क्या था, एक सेकेंड, ये आपका बी है, ये आपका टी है, ये है आपका FT। ठीक है, ये चीज तो यहाँ से ये निकाल लोगे इनटू 100 क्यों, क्योंकि किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, एक बार ये हम फिर से समझा दे रहे हैं, जब टीयरिंग के केस में निकालोगे, टीयरिंग के केस में आपका क्या बताए थे, यहाँ फेल होगा, पहले ये फेल होगा, फिर ये फेल होगा, फिर ये फेल होगा, फिर ये फेल, इस तरह रोटेशन चलती है, तो क्या होगा, इस पे जो है ये लोड तो आएगा ही आएगा, पर इसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले केवल सिंपल इस रेविट के कारण कितना यहाँ पर टीयरिंग कॉज करेगा वो निकाले हैं, केवल 1 इसके कारण यहाँ पर टीयरिंग कितना कॉज करेगा वो निकालें B-N ये वाले से। ठीक है, फिर इसके कारण यहाँ पर कितना टीयरिंग आएगा, इसके कारण इन दोनों रेविट के कारण यहाँ कितना टीयरिंग एक्शन परफॉर्म करेगा वो निकालें। तो जो इसके कारण जब निकालेंगे तो दो चीज़ होगी, एक तो बिना इसके और केवल इसके, दो चीज यहां निकाले हैं, बिना रेविट के और केवल रेविट के, तो ये वाला पोर्शन है बिना रेविट के और ये वाला पोर्शन है रेविट के साथ। ठीक है, तो बिना वाले में लिखे हैं B-NDH, तो याद रखना यहां सेकंड सेक्शन की पार्ट कर रहे थे तो इसलिए 2 लिए हैं। ठीक है, और यहां पर जो है केवल रेविट के बारे में बात की है तो 2 रेविट है इसलिए यहां पर ऐसा किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या किए, केवल यहाँ पर कितना टीयरिंग कॉज करेगा, ये दोनों जो है PT-P1 और PT-P2, यहाँ पर कितनी टीयरिंग आएगी उसके कारण निकाला गया है। ठीक, और ये सेक्शन 2-2 जो है, सेक्शन और टेक 2-2 जो है यहाँ पर कितनी टीयरिंग आएगी वो निकाला गया है, तो वहां पर कितनी टीयरिंग आएगी वहां एन की वैल्यू 2 रख के फिर ये निकाला गया। ठीक, तो ये हो गया इस तरह का। इसका एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये वाला देखो, ये वाला 300 क्रॉस 16 mm प्लेट, जो प्लेट है वो 300 mm चौड़ी है और 16 mm इसका डाया है। ठीक है, आर रेविटेड टूगेदर विथ 25 mm डाया
ऑफ रेबिट होल, तो इसमें रेबिट होल का डाया दिया है 25 mm, एंड क्वाड्रुपल रिविटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, ये क्वाड्रुपल रिविटेड है मतलब इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है, डबल कवर बट ज्वाइंट एज सोन इन द फिगर, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, इफ द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 10 mm, इसकी थिकनेस, इस वाले की थिकनेस 10 mm दी है और इसकी 16 दी है, तो यहाँ पर देखो टीपी कितना दिया है आपका, प्लेट की थिकनेस है 16 mm और थिकनेस ऑफ कवर कितना दिया है 10 mm, पर डबल है तो ये टोटल हो जाएगा 20 mm, तो इन दिनों में जो भी मिनिमम है वही आपका थिकनेस हो जाएगा, दैट इज 16 mm, ठीक। और विड्थ कितना है आपका, विड्थ है आपका 300 mm का विड्थ है, ये आपको बताया है थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर, और ये डाई ऑफ होल दे रखा है और परमिसिबल स्ट्रेस दे रखे हैं सारे, ठीक। तो इसमें भी जब फेलियर होगा तो पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये घूम के आएगा, फिर यहाँ का करेगा, यहाँ का करेगा, यहाँ का करेगा, यहाँ का, इस तरह ये फेल करता है। ये जब जॉइंट की डिजाइनिंग देखोगे आप तब ये और क्लियर होगा, अभी बस इतना समझो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे तो एक पार्ट में टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है। तो यहाँ पर पहले आप निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर, तो पीएस के लिए कितना शेयरिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ डबल एन की वैल्यू यहाँ 2 होगी क्योंकि डबल कवर है, डबल शेयर है ना, ये देखो शेयरिंग प्लेन डबल है तो इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये हो गया आपका 10 × 2 × π/4 डायफोल इंटू ये आपका न्यूटन में आया, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो इतना किलो न्यूटन होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका क्रशिंग के लिए, क्रशिंग के लिए जब निकालेंगे, क्रशिंग के लिए निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा आपका, मतलब क्रशिंग के लिए निकालेंगे, क्रशिंग या बियरिंग दोनों कह सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पर ये सब तो आपका ये स्ट्रेस इनटू एरिया, और कितने टोटल रिविट थे 10, तो यहाँ से ये निकाल लिए, तो तो ये आपका 10 रिविट का स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर एक रिविट की स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो 10 से डिवाइड कर दोगे, उसी तरह यहाँ पर भी अगर एक की निकालनी होगी तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दोगे, तो एक की कितनी हो जाएगी 78.5 किलो न्यूटन, ये एक रिविट की होगी, एक रिविट की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब निकालते हैं टियरिंग ऑफ प्लेट, टियरिंग ऑफ प्लेट, तो टियरिंग ऑफ प्लेट में जैसे आपको इस वाले क्वेश्चन में बताए थे उसी तरह करना है। पहले आप इसका निकालोगे, इस वाले पोर्शन का 1-1, तो ये देखो निकाला है एट सेक्शन 1-1, एट सेक्शन 1-1 पे क्या होगा, सिग्मा टी बी माइनस एन डी एच इंटू टी, सिग्मा टी आपका 100 दिया है, बी आपका 100 दिया है, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1 है, एन डी एच इंटू टी, इसको सॉल्व किया तो ये न्यूटन आया, किलो न्यूटन, फिर है, ठीक है। फिर ये निकाला है एट सेक्शन 2-2, जब सेक्शन 2-2 लिया है, 2-2 पे भी वही काम किया है, 100 300 - 2 × 25, यहाँ एन की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व कर दिया, फिर ये किलो न्यूटन में। फिर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट एट सेक्शन 2-2, फिर एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है मेन प्लेट, उस इसमें भी वो चीज करेंगे, ये चीज याद रखना है, यहाँ पर वो नहीं कर रखा है पर इसमें भी वो चीज करेंगे, तो ये क्या होगा एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ मेन प्लेट एट सेक्शन 2-2 क्या होगा, पीटी बराबर 100, मतलब यहाँ इस पे तो जो आया है आया ही है, और प्लस स्ट्रेंथ ऑफ 1 रेबिट इन फ्रंट, मतलब इसके ये जो एक एक रेबिट है उसके कारण जो स्ट्रेंथ है कि वो, ठीक है, तो वो इतना हो गया। फिर जब 3 पे निकालना होगा, देखो उस क्वेश्चन में भी यही था, सिंपल ये समझो, जब यहाँ पर निकालना रहेगा तो सिंपल निकालोगे, यहाँ पर निकालना होगा तो इसके कारण जो स्ट्रेंथ है कि वो, यहाँ पे निकालना होगा तो इसके कारण जो स्ट्रेंथ है कि इसके कारण जो स्ट्रेंथ है कि वो, यहाँ पर निकालना होगा जो इसके कारण स्ट्रेंथ है कि इसके कारण स्ट्रेंथ है कि और इसके कारण स्ट्रेंथ है कि वो, तो यहाँ वही किया। 1-1 के लिए पहले ये निकाल लिया सिंपल, 2-2 के लिए ये निकाला, फिर जो 2-2 पे एक्चुअली में आएगा वो 2-2 पे प्लस और स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिविट, स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिविट इन फ्रंट, तो वो कितना है 64 किलो न्यूटन, यहाँ पर आप निकाले हो ना, देखो इन दोनों में मिनिमम यही था, इन दोनों में मिनिमम वही था, और उस वो 10 रिविट की थी, उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो एक रिविट किया गया, तो वहां ये वही एक ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आप देखो स्ट्रेंथ एट सेक्शन 3-3, जब 3-3 पे लेंगे तो क्या है, 3-3 पे लोगे तो यहाँ पर 3 है,
तो पहले एक का निकाल लोगे, पहले एक का निकाल लोगे तो ये एक का निकाला है, और फिर टोटल यहाँ इसके सामने कितना रेबिट है, तीन रेबिट है तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर सेक्शन चार चार पे निकालोगे तो चार चार पे एक पैक निकालने के लिए पहले चार चार का निकालेंगे और फिर स्ट्रेंथ ऑफ इसके सामने कितना, एक दो तीन चार पाँच छः छः, तो ये पहले चार चार पे सिंपल निकाला ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर 300 प्लस 6 टाइम ऑफ ये कर दिया है। ठीक, फिर ये तो हो गया मेन प्लेट का। अब उसके बाद आती है कवर प्लेट की बारी, कवर प्लेट की। तो कवर प्लेट पे, तो कवर प्लेट में क्या बताए थे, कवर प्लेट में पहले यहां से फेल करेगा, तो कवर प्लेट पे चार चार पे जब निकाला है तो सिग्मा, ये गड़बड़ यहां लिख दिया है, सिग्मा टी बी माइनस एन डी एच इंटू टू टाइम ऑफ टी सी, कवर प्लेट की थिकनेस लिया है क्योंकि दो कवर हैं, और ये फिर कर दिया। फिर इन तीनों में देखोगे मिनिमम कौन है, इन सब में देखोगे आप मिनिमम कौन है, तो इन सब में जो भी मिनिमम होगा वही लेंगे आप। ठीक है, इन सब में, इसमें इसमें या फिर इन सब में अलग अलग का जो निकाले हो, अलग अलग पॉइंट का, अलग अलग पॉइंट में पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका ये है, और चौथा ये है। ठीक है, तो इन चारों में और प्लस ऊपर से दो और ये, इन सब में देखोगे आप जो भी मिनिमम होगा वही इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम आपका यही आ रहा है तो यही स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा। फिर एफिशिएंसी निकालने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन सॉलिड प्लेट, तो सॉलिड प्लेट के लिए सिग्मा टी बी इंटू टी पी, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ गया इंटू 100, तो ये इतनी एफिशिएंसी है। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। अगर तीनों जो न्यूमेरिकल में कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।